नमस्कार। आज रागों का क्रम आगे बढ़ाने से पहले मैंने सोचा कुछ वॉइस कल्चर पे बात कर ली जाए। जो हम जो भी गाते हैं, हम जो भी बोलते हैं, उन सब में वॉइस कल्चर का ही हाथ होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो कौन सा वॉइस किस वक्त कैसे काम आता है, जिसके कारण हम गा पाते हैं, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में काफी अलग है। अगर हम बात करें कि जो हमारे उच्चारित स्वर होते हैं, जो बातचीत के स्वर होते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक लंबे लंबा जिसे किया जाता है वो गायन का होता है ना। अगर हमें बोलना है तो हम रुक के सांस लेकर के बोलते हैं, पर अगर हमें गाना है तो हमें एक लंबी सांस लेकर के और तब फिर शुरू करना होता है, तब फिर वो गाना होता है। तो दोनों में काफी फर्क होता है। गायन में जिस प्रकार का वाइब्रेटो प्रयुक्त होता है वैसा बातचीत में नहीं होता। तो जो वाइब्रेटो, जो वाइब्रेशंस हमारे गले में जो होती है वो गायन में और जो बोलने के वक्त का वाइब्रेशन, ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है। अब गायन में शब्द और स्वर जिस प्रकार जुड़े होते हैं, आर्टिकुलेटेड रहते हैं, वैसे साधारण बातचीत में नहीं होते, है ना। तो इसी का और प्लस एक और जो प्रमुख बातें, जो चार बातें इनमें होती हैं गायन के बारे में, तो उनमें एक चौथी बात ये भी रहती है कि गायन में स्वर की ऊंचाई नीचाई में जल्दी जल्दी परिवर्तन, पिच का वाइब्रेशन ऊपर नीचे, सब फटाक फटाक बहुत जल्दी जल्दी होता है। पर बातचीत में अगर बोला जाए तो बात आप हमेशा एक ही ये में मॉड्यूल में करेंगे। आप अपना पिच ऊपर नीचे नहीं करते हैं बात करते वक्त। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है लेकिन पिच ऊपर नीचे नहीं होता है। देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन दिस, अगर आप इसको समझ पाए तो। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे करके गाएं और कैसे गाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत जरूरी है अभी गाने को समझने के लिए, गाना कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, उसके बारे में सारा कुछ जानने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं आज इसमें एक्सप्लेन करूंगी और आगे चल के और भी हम इसमें जानेंगे, इसमें बातें जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वॉइस कल्चर, जो कि वॉइस की तो देवी माँ सरस्वती होती है, तो ये जो वॉइस कल्चर का मतलब क्या होता है। वॉइस कल्चर का अर्थ है आवाज के प्रयोग और उसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, या संवाद के तरीके को प्रभावित करती है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि स्वर और उच्चारण केवल संदेश नहीं देते बल्कि विचारों, भावनाओं और संबंधों को भी व्यक्त करते हैं। एक सक्षम आवाज संस्कृति संवाद को सुगम और प्रभावी बनाने में बनाती है, जिससे लोगों के बीच बेहतर समझ बनती है। अब क्या-क्या स्वर के उच्चारण में क्या-क्या चीजें होती है, तो महत्वपूर्ण तत्व में स्वर और उसके उच्चारण की बात होती है, संवेदनशीलता और संबंध की बात होती है जिसमें वॉइस कल्चर ज्यादा खुल के आता है, संस्कार और नैतिकता जिसमें कि हम इसके गायन वादन का भी बात कर सकते हैं इसमें। तो स्वर और उच्चारण, किसी व्यक्ति का स्वर और उच्चारण उसकी पहचान बनता है। विभिन्न भाषाओं में स्वर के विभिन्न उपयोग होते हैं जो संचार को सम्मान और प्रभाव देते हैं। स्वर अप्रत्यक्ष रूप से भावना और स्थिति को भी व्यक्त करता है। अब जैसे कौन बोल रहा है, अगर हम आंख बंद भी किए हो तब भी हम बता सकते हैं कि ये वो बंदा बोल रहा है या वो बच्चे बोल रहा है। वो हम कैसे पहचानते हैं, उनके आवाज से, उनके उच्चारण से। तो स्वर और उनका उच्चारण, ये एक इंसान को दूसरे इंसान से भिन्न करता है। संवेदनशीलता और संबंध, वॉइस कल्चर में संवेदनशीलता का योगदान महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आवाज व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को समझने और व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह संबंधों को मजबूत करने का आधार होती है।
संस्कार और नैतिकता, संस्कार और नैतिकता वॉइस कल्चर के अभिन्न भाग हैं। बोल अपने बोलने के तरीके के प्रति जागरूकता, शिष्टता और सम्मान से वैचारिक आदान प्रदान में सुधार होता है। इस जागरूकता का महत्व हर बातचीत में नजर आता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, वॉइस व्यायाम तालिका। तो स्वर पर वॉइस व्यायाम का नाम क्या क्या होता है? स्वर प्रशिक्षण, सांस व्यायाम और उच्चारण व्यायाम। उच्चारण जिसमें हम उच्चारण करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम धीरे धीरे हर एक बात को स्पष्ट बोलना कैसे सीखते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें हर वाक्य को, हर एक शब्द को स्पष्ट बताते हैं कि ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, ऐसे बोला जाता है, तो हम उच्चारण सीखते हैं। सांस का व्यायाम जो हम लोम विलोम और भी तरह के व्यायाम करते हैं, जिससे हमें सांस में स्थिरता लाने में, अपने आप को सुधारने में सांस के व्यायाम से, उसमें हमें फायदा होता है। इसमें योग भी शामिल हो जाता है। इसीलिए कई गुणीजन संगीत को योग से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जितना इसमें सांस के बारे में जितनी प्रबलता है, जितनी बातें हैं इसमें स्पष्ट हैं सांस के बारे में संगीत में, उतने किसी भी और चीजों में नहीं होती है। तो इसीलिए इसको भी योग से जोड़ा जाता है। स्वर प्रशिक्षण, स्वरों की शक्ति बढ़ाना। जो हम गाते हैं सारे गामा, ये जो सारे हम स्वर सीखते हैं, स्वर की स्पष्टता, उनका प्रभाव, कौन से स्वर, अगर जो हम उसको आकार में भी बोल रहे हैं तो कोई भी समझ सके तो हमने कि हमने क्या बोला, कि निरे सा, वो कोई भी एक ही बार में पकड़ सकता है ना। तो इसलिए ये स्वर की स्पष्टता इससे आती है। आगे बढ़ते हुए, बदलते ट्रेंड्स में क्या-क्या चीज चल रहा है अब के समय में? तो 45% डिजिटल वॉइस असिस्टेंट होते हैं आजकल। 45% लोग डिजिटल वॉइस असिस्टेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, जो वॉइस कल्चर के विकास को दर्शाता है। यह तकनीक लोगों के संवाद के तरीके को फिर से परिभाषित कर रही है। 30% ऑनलाइन वॉइस क्लासेस, कई लोग कर रहे हैं ऑनलाइन वॉइस क्लासेस आज के डेट में। 30% लोग वॉइस ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, दर्शाता है वॉइस कल्चर की मांग बढ़ रही है। यह सीखने के लिए नए तरीके के प्रति रुचियों को प्रेरित करता है। और इनफैक्ट मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ संगीत की। तो अगर आप कभी भी संपर्क करना चाहें मुझसे, तो जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आता है मेरा ईमेल आईडी, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और पॉडकास्ट का विकास, पॉडकास्ट भी आज के डेट में बहुत लोग पसंद करते हैं। उसमें भी अलग-अलग तरह के आवाज सुनने को मिलते हैं। पॉडकास्ट के थ्रू आपको सिर्फ बातें ही नहीं, बहुत सारे गायकी भी सुनने को मिलती है। बातों का भी अलग-अलग उसमें स्टाइल होता है जो उसमें सुनने को मिलता है। इसी में आगे बढ़ते हुए, निष्कर्ष और सिफारिशें, समाज और व्यवसाय पर प्रभाव। वॉइस कल्चर के महत्व को समझना आवश्यक है। इससे संवाद का स्तर ऊंचा होता है और सामाजिक तथा व्यवसायिक रिश्ते विकसित होते हैं। आगे बढ़ने के लिए वॉइस प्रशिक्षण कार्यक्रमों और असिस्टेंट तकनीकों को अपनाना चाहिए। खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए वॉइस कल्चर सिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे सोच समझकर संवाद कर सके। तो सिर्फ संवाद की ही बात नहीं है, अगर आप कहीं पर गाना भी गाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी प्रशिक्षण लेना, एक सही प्रशिक्षण लेना, ताकि आप कोई भी गाना उठा रहे हो, आप कुछ भी गा रहे हो, तो आप सुर में गाएं, आप अच्छा गाएं, ताकि लोग आपके ऊपर हंसे नहीं बल्कि आपके गाने को पसंद करें। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है।